गोरखपीठ में नवदेव विग्रहों वाला नवीन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ शिव महापुराण कथा के साथ हुआ, जिसके दौरान मठ पुरोहित श्री रामानुज त्रिपाठी, वैदिक जी, व्यासपीठ का पूजन और अखंड ज्योति के साथ शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर गर्भगृह से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन कथा स्थल तक निकाली गई। मुख्य रूप से योगी कमलनाथ, देवी पाटन के महंत योगी मिथिलेश नाथ जी, कथावाचक संत बालक दास, महंत शिव नारायण दास और यजमान आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने सोमवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने बताया कि गोरखपुर मेरी कर्मभूमि रही है, मैंने इसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है और आज मैं यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। यह मेरा दूसरा अवसर है जब मैं किसी विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कर रहा हूं, जिससे मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह और आगे बढ़े। मैं चाहूंगा कि जीवन में छात्र कुछ भी करें, लेकिन अपनी शिक्षा को जरूर पूर्ण करें। अगर हम चुनौतियों को पार करते हुए बढ़ चुके बढ़ गए तो सफलता हमारे कदम चूमती है। हमें कभी भी चुनौतियों से घबराने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। अभी जब आप लोग इस विद्यालय में गीत चुने हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं मात्र तुमको अभी कुछ और क्या। ये जो मातृभूमि है, जहां हम जब लोग बचपन में थे तो नारा लगते थे, गीत होती थी, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा, मैंने अपनी शिक्षा अर्जित किया था माध्यमिक, आज उस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के साथ मैं यहाँ हूँ और यहाँ विज्ञान के प्रयोगशाला का आज मैंने लोकार्पण किया है। इसके पहले भी विज्ञान के लोका प्रयोगशाला का लोकार्पण मैं कर चुका हूँ, ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ। देखिए, उस विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता है जहाँ उसने शिक्षा अर्जित किया हो और आने का मौका मिलता है, और इस परिस्थिति में तो मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज से वर्षों पहले जब मैं यहाँ प्रवेश लिया था, 55 साल और आज 50 साल के ऊपर हो गए, तो यहाँ आ कर करके मैं एक सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। महात्मा गांधी
इंटरमीडिएट कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज, ये अपने आप में एक गौरवशाली परंपरा लिए हुए है। यह और आगे बढ़े एक विद्यार्थी के नाते मैं इसके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश हम इतना ही देना चाहेंगे कि आप कुछ भी करो लेकिन अपनी शिक्षा पूरी। जीपी एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा रविवार को टाउन हॉल स्थित एक निजी हॉल में वार्षिक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एम्स की निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एम्स की निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा कि जीपी एसोसिएशन के माध्यम से जो सीएमआई एवं समाज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है वह बेहद प्रशंसनीय है। एम्स गोरखपुर के चिकित्सक भी इस तरह के कार्यक्रम में अपना योगदान देने को तैयार हैं। वहीं तमकुही विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने कहा कि मेडिकल पैसा सेवा भाव से करना चाहिए। हम सभी चिकित्सक यहां सेवा भाव अध्ययन के समय से ही आ जाते हैं। इस वैज्ञानिक गोष्ठी में केजीएमसी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन अरुण दीक्षित, जो रेडियोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एरोरिक बीमारियों जैसे मधुमनी, खून की नली में गांठ एवं वॉल्व की जटिल बीमारियों का इलाज इंटरवेंशन विधि के द्वारा बिना चीरा लगाए किया जा सकता है एवं स्टेट ग्राफ्ट डाला जा सकता है, जिसमें मरीजों को बहुत लाभ होता है। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर वाई सी यादव, डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, डॉक्टर जे पी जायसवाल, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, डॉक्टर आर पी शुक्ला, डॉक्टर बबीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने कहा, आज का जो ये जीपी एसोसिएशन की एनुअल मीट इन्होंने ऑर्गेनाइज किए है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें सबसे पहले जो मुख्य बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, ये हर साल एक एकेडमिक मीट करते हैं ऐसे ही, जिसमें इनके पूरे साल भर के जो जो इन्होंने कार्य किए हैं उसके अपडेट्स देते हैं। और हर साल में बीच बीच में ये लोग सीएमईज और वर्कशॉप्स कराते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हेल्थ से संबंधित कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो टॉपिक जो इन्होंने कवर किया है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के ऊपर है और डायबिटीज़ के ऊपर है, जो कि आजकल आप देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं और काफ़ी सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आज के जो हमारे कार्यक्रम है उसमें दी जा रही हैं। और साथ ही साथ एक एओटिक डिजीज़ के ऊपर भी एक टॉपिक है, जिसमें कुछ बाहर के लोग भी आ रहे हैं, जो कि ये स्पीकर्स करके और जो लोग अपने एक्सपर्टीज उसके बारे में जानकारी दे। एसपीसीडी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सीआईआर मोबाइल डिवाइस का लोकार्पण किया, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि सीआईआर डिवाइस के माध्यम से जहां एक ओर आपका डाटा सुरक्षित होगा, वहीं अब मोबाइल चोरी का काम चोरों के लिए आसान नहीं होगा। यदि मोबाइल चोरी भी हो जाता है तो वह तत्काल पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। जहां एक ऐसा डिवाइस सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, उसके माध्यम से किसी भी चोर को पकड़ना आसान हो सकेगा। इस डिवाइस का नाम है सीआईआर डिवाइस। उन्होंने बताया कि सीआईआर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो सरकार के महत्वपूर्ण मुहिम है। इस डिवाइस के माध्यम से सभी मोबाइल फोनों का IMI नंबर एक जगह रजिस्टर्ड किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल चोरी होगा तो इस डिवाइस के माध्यम से उसकी लोकेशन और जिस व्यक्ति के पास है उसका एड्रेस पता चल जाएगा, जिसकी वजह से चोरों को पकड़ पाना आसान होगा। इस डिवाइस के माध्यम से अन्य कई प्रकार के अपराधों पर भी अंकुश लग सकेगा। CIR पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले मोबाइल ही आगे से चल पाएंगे, इसलिए इस फोटो पर रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे मोबाइल को अवैध माना जाएगा। इस CIR पोर्टल की वजह से चोरी करने वाले लोगों पर भी बेहद आक्रोश लगेगा, क्योंकि सबका डाटा फीड होगा। सरकार की इस मुहिम से जुड़ना सबके लिए बेहद जरूरी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCD कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में आज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल के बारे में सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी दी गई। CIR पोर्टल एक इम्पोर्टेंट सरकार की मुहिम है, जिसके माध्यम से जितने भी IMEI नंबर्स हैं उनको सबको एक जगह रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसका अगर मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो वह ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करा सकता है। उसके बाद में पुलिस को उसका इंटीमेशन होगा
और जितना समय पहले किसी मोबाइल को या फिर मोबाइल खोने के बाद में व्यक्ति को डर रहता था कि उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, वो मिसयूज़ ना होकर वो मोबाइल डिवाइस वो ब्लॉक हो जाएगा, उसके साथ साथ उसको पुलिस को तुरंत रिकवरी भी हो पाएगी और उसका मिसयूज़ भी किसी आतंकवादी की गतिविधियां या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में उस मोबाइल का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं हो पाएगा। और पुलिस को एक एज ए ब्लॉक लिस्ट के नाते जितने भी फ़ोन ब्लॉक्ड हैं उसके बारे में डिटेल मिलती रहेगी और उसको समय रहते उसको पकड़ने में कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि एक सेंट्रल डेटाबेस बनने के बाद में जो ICDR है, इंडियन काउंटरफिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, जो स्कीम सरकार की मुहिम थी कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही फ़ोन चले जो सरकार के पास यहाँ आयात होने के बाद में रजिस्टर किए गए हैं, तो इस मुहिम के बाद में जितने भी फ़ोन जिनका IMEI सरकार के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है वो सब भी ब्लॉक हो जाएंगे और तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त जितने भी फ़ोन हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फिर उनको नहीं चलने देंगे। और स्टोलन डिवाइस रिपोर्टिंग सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही सुलभ सिस्टम है, एक ही पेज के अंदर आप अपना मोबाइल जहाँ भी खोया है वो पूरा पोर्टल है, उसके ऊपर पूरी जानकारी है, इस पोर्टल के बारे में आज बताया गया है। और इसमें अनब्लॉक करने की भी सुविधा है, जब आपको फ़ोन मिल जाता है तो आप अपना कारण बता के उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है, इसके माध्यम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, उसके साथ साथ मोबाइल चोरी करने वालों के लिए भी एक डिसइंसेंटिव है कि मोबाइल चोरी करने के बाद वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इससे मोबाइल चोरी की घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। इसमें देश में CEIR पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वही मोबाइल फ़ोन चल पाएंगे जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे देश के अंदर IMEI के रूप में रजिस्टर्ड है। जो IMEI रजिस्टर्ड नहीं है वो ICDR के बाद में होने के बाद में इस पोर्टल पे नहीं चल पाएंगे, उससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी जो पहले कोई भी मोबाइल यूज़ कर लेता था बाहर से स्मगल करके वो भी यूज़ नहीं हो पाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व प्रशाली गंगवार, पुलिस उपाधीक्षक बांसगांव के कुशल मार्ग निर्देशन व सूरज सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में थाना पर पंजीकृत मुकदमा विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध के संबंध में अभियुक्त सुभाष चंद्र राणा पुत्र रामशरण निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 3 अदद पवित्र बाइबिल व 1 अदद नया पुस्तिका, नया नियम भजन संहिता तथा नीति वचन सफेद प्लास्टिक के एक बड़े डिब्बे में बरामद हुआ। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।